अवैध रेत उत्खनन पर शिकंजा, गुस्साए लोगों ने घेर लिया। फिर प्रशासन ने जब्त की 16 ट्रैक्टर, 6 हाइवा और चैन माउंटेन मशीन। जांजगीर चांपा जिले में प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा है। इस इलाके में लंबे समय से अवैध कारोबार चल रहा था, जिसके बाद लोगों ने अब इन्हें घेर लिया और प्रशासन को इस बात की सूचना दी। फिर प्रशासन की टीम ने 16 ट्रैक्टर, 6 हाइवा और चैन माउंटेन मशीन को जब्त कर लिया। मामला पामगढ़ जनपद पंचायत के कमरीद गांव का है। जानकारी के मुताबिक कमरीद गांव में कई दिनों से अवैध रेत उत्खनन हो रहा था। कई बार लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहा जा रहा है कि रेत घाट का ठेका भी खत्म हो चुका है, फिर भी यहां से आए दिन रेत निकाली जा रही है। इसके बाद गुरुवार के दिन ग्रामीणों ने रेत खनन कर रही गाड़ियों को रोक लिया। उधर प्रशासन को भी इस बात की सूचना दी, जिसके बाद खनिज विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिर इन गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। वहीं प्रशासन के पहुंचने की सूचना पाकर कुछ ट्रैक्टर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जिले में ऐसे 10 से ज्यादा रेत घाट है जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।